हाय माय लवली फूडीज, वेलकम टू माय डीएनटी ढाबा। तो आज की स्पेशल रेसिपी है हरे चने और आलू की सब्जी। तो इस रेसिपी को हम थोड़ा सा हलवाई स्टाइल बनाएंगे, तो जिससे खाने में एक अलग ही मज़ा आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हरे चने और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 250 ग्राम हरे चने, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और साफ़ कर लिया। ये देखिए, ये एकदम फ्रेश हरे चने हैं। साथ ही साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने अच्छे से धोकर मोटे मोटे साइज़ में काट लिया है। इसे हम कुकर में बनाएंगे, इसलिए आलू का साइज़ थोड़ा मोटा रखें। हरे चने की सब्जी को एकदम हलवाई पैटर्न में बनाने के लिए एक हम स्पेशल मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और थोड़े से खड़े मसाले जैसे जीरा, काली मिर्च, लौंग और थोड़ी सी धनिया पत्ती। फ्रेश धनिया पत्ती लीजिए, जिसके जो कोमल डंठल होती है ना, वो भी साथ में ले लीजिए। इसका हम एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका मैंने एक पेस्ट रेडी कर लिया है। तो चलिए अब रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को हम कुकर में बना रहे हैं, तो कुकर को गर्म करने के बाद 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। आप कोई भी ऑयल इसमें डाल सकती हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसके बाद आप डालें 1 टीस्पून राई और 1 टीस्पून ही जीरा। ये मेरा मिला हुआ था, इसलिए मैंने साथ में ही डाल दिया। और उसके बाद जैसे ही राई जीरा चटक जाए, उसके बाद आप डालें 2 बे लीव्स यानी तेजपत्ता। और तेजपत्ता को पकाने के बाद आप डालें 1 मीडियम साइज़ का अनियन, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। तो बस इसे भी अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए, प्याज को पकाते मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो प्याज का ऐसा कलर यानी लाइट गोल्डन कलर आ गया है, तो बस इसी स्टेज तक आपको इसे पका लेना है। इसके बाद डालें पिंच भर हल्दी। हल्दी डालने से ना, जब भी हम कोई पिसा हुआ पेस्ट ऑयल में डालते हैं, तो वो छींटे ना हाथ पर आती नहीं। तो पिंच भर हल्दी डालकर अब डाल लें अपना पिसा हुआ पेस्ट। ये सब डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। प्याज और मसालों को पकाते पकाते मुझे यहाँ से 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए पेस्ट का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और ऑयल भी रिलीज होना स्टार्ट हो गया। इसी टाइम हम डालेंगे अपने ड्राई मसाले। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला। आप कोई भी गरम मसाला इसमें डाल सकती हैं। तो बस ये सब मसाले डालकर आप इसे अच्छे से पका लें। सभी चीज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट और पका लिया है। तो ये देखिए, इसका कलर भी कैसा डार्क हो गया है और हल्का सा नीचे से चिपकने लगा है। तो अगर ज़्यादा मसाला चिपक रहा हो, तो हल्के से आप पानी के छींटे यहाँ पे डाल सकती हैं। तो ये देखिए, इस स्टेज तक आपको पका लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो, जिसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो ये देखिए, ऐसे ग्राइंड करके आप इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दीजिए। टोमेटो प्यूरी डालते ही सबसे पहले जाएगा इसमें नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे डाल सकती हैं। नमक डालने से ना सारे मसाले फटाफट अच्छे से पक जाते हैं। तो बस नमक डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, इसके बाद डालें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालने से ना फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और उसका टेस्ट भी 2 गुना बढ़ जाता है। तो इसे डालना बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ मुझे सभी चीज़ पकाते पकाते 5 मिनट हो चुके हैं। तो मसालों में ना एक अच्छा सा कलर भी आ गया है और ऑयल भी थोड़ा थोड़ा रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। इसी समय हम डालेंगे अपने चने और आलू। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला है आलू और उसके बाद मैंने डाले हैं यहाँ पे हरे चने। ये दोनों चीज़ों को डालने के बाद मसालों में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करनी है। इसकी भुनाई करने से पहले फिर से डालें इसमें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा जो कोमल डंठल है ना वो भी इसमें साथ में डाल दें, और थोड़ा सा फ्रेश और रोस्टेड कसूरी मेथी। ये सब डालकर आप थोड़ा सा इसमें डालें गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। ये सब डालने से ना एकदम हलवाई जैसी आपकी सब्जी बिल्कुल बनेगी ही बनेगी। तो ये सारी चीज़ें डालकर आप इसकी भुनाई करना स्टार्ट कर लीजिए। और ये देखिए, इसको भूनते भूनते मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ऑयल कैसे सेपरेट हो गया है। तो बस इसी स्टेज तक आपको इसकी भुनाई करनी है। तो बस इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें वार्म वाटर। तो वार्म वाटर आपको इसलिए डालना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुके भी ना, और उसका फ्लेवर भी जैसा है वो बरकरार रहे, मतलब थोड़ा सा कम ना हो, क्योंकि ठंडा पानी हम डाल देते हैं ना, तो जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने सब्जी में 1 ग्लास गर्म पानी डाला है। आप अपनी सब्जी कैसी पतली और गाढ़ी रखना चाहती हैं, उसके हिसाब से आप पानी एडजस्ट कर सकती हैं। तो गर्म पानी डालने के बाद तुरंत कुकर का ढक्कन लगा लीजिए, और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद यहाँ से 4 से 5 सीटी
आपको दिलवानी है। अगर 4 से 5 सीटी में भी आपकी सब्ज़ी नहीं गलती है तो 2-3 सीटी आप इसमें एक्स्ट्रा दिलवा सकती हैं। आप अपने कुकर को ज़्यादा अच्छे से पहचानती हैं, मेरे कुकर में ये 4 सीटी में अच्छे से गलकर बन जाते हैं। तो 4 से 5 सीटी दिलवाने के बाद मैंने कुकर को सबसे पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लिया था, उसके बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ। गरम गरम कुकर का लिड अगर आप खोल देंगे ना तो सब्ज़ी अच्छे से सेट नहीं हो पाती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कुकर को पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लीजिए और उसके बाद ही इसे ओपन कर लिए। तो ये देखिए सब्जी का कलर कितना ही बढ़िया दिख रहा है और ये देखिए आलू भी कितने अच्छे से पक चुके हैं। ये मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ कि आलू और चने हमारे कितने अच्छे से पककर रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारी हलवाई स्टाइल हरे चने और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई होगी ना तो अपने किचन में एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।